आज मैं आप लोगों को डायलर पैड के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। अब जैसे कि यहां पे आप डायलर पैड ओपन किए हो, आपको किसी को भी कॉल करना है तो आप इजीली यहां से कॉल करते हो और बातें करना लगते हो, या आपको किसी का नंबर सेव करना रहता तो सेव कर लेते हो। क्या और भी आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा, या कोई भी सेटिंग के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। आप लोगों को सेटिंग बताने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप भी डेली डायलर पैड को यूज करते हो तो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। तो हमारा पहला सेटिंग है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने डायलर पैड को ओपन किया। अब जैसे ही डायलर पैड के हम यहाँ पे कीपैड को ओपन करते हैं, जहाँ से हम नंबर डायल करते हैं, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो कुछ अलग तरीके से डायलर पैड हमारा ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल आईफोन की तरह जो हमारा डायलर पैड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायलर पैड जो है हमारा बिल्कुल आईफोन की तरह ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, कॉन्टेक्ट, रिसेंट, कीपैड, सेटिंग, और यहाँ पे जो नंबर वगैरह है इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और आपको भी पता है कि नॉर्मल डायलर पैड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये सेटिंग आप लोगों को कहाँ से मिलने वाला है वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप कंप्लीट वीडियो और पूरा सेटिंग के बारे में जान लीजिए। तो ये हमारा पहले नंबर का सेटिंग था जिससे आप अपने डायलर पैड का जो लुक है उसे बिल्कुल आईफोन की तरह बना सकते हो। दूसरे नंबर का जो सेटिंग है, आप किसी का भी इनकमिंग कॉल आता है तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपके फोन पे किसी का भी इनकमिंग कॉल आता है तो नॉर्मल तरीके से आप कॉल को रिसीव कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ, किसी का भी इनकमिंग कॉल आपके फोन पे आएगा, कुछ अलग तरीके से आप कॉल को रिसीव कर पाओगे। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलता है चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहां से जो भी आप वॉलपेपर सेट करना चाहते हो वो वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो। जब भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका ही वॉलपेपर नजर आएगा और आप बिल्कुल आईफोन की तरह कॉल को उठा सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल यहां से इस तरह से आपका वॉलपेपर शो होगा और इस तरह से आप कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो ये मस्त सेटिंग है जो आप लोगों को अपने फोन के अंदर कर लेना है। हमारे डायलर पैड का जो अगले नंबर का सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अब जैसे कि आपके फोन पे इनकमिंग कॉल आता है तो आपके फोन पे रिंगटोन बजता है या फोन वाइब्रेट होता है, तो आप अगर चाहते हो कि आपके फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आए तो ये जो आपका फ्लैश लाइट होता है ना, ये फ्लैश लाइट डीप होना चाहिए। जब भी कॉल आएगा तो ये फ्लैश लाइट जलेगा तो काफी बेहतरीन लगता है देखने में। अगर आप टेबल पे ऐसे फोन रखे हो, जब भी कॉल आएगा तो आपका फ्लैश लाइट डीप होगा, म्यूजिक के हिसाब से डीप होगा, कितना बेहतरीन लगता है देखने में। तो वो भी आप कर सकते हो, सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक। सही सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, नीचे आना, यहां पे आपको मिलता है फ्लैश ऑन कॉल। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से इसे ऑन कर देना है। अब यहां पे आप चाहते हो लाइट ऑन टाइम तो यहां पे आप सेट कर सकते हो, लाइट ऑफ टाइम यहां पे सेट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस अब जब भी किसी का इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका जो फ्लैश लाइट है वो काफी बेहतरीन तरीके से डिफ होगा। हमारा जो फाइनल सेटिंग होने वाला है उससे आप किसी के साथ भी प्रैंक कर सकते हो और अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। इतना कमाल का सेटिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फेक कॉल का। फेक कॉल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहां पे आपको मिलता है शेड्यूल कॉल। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर मिलता है कॉलर इन्फो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप किसी का भी फेक कॉल अपने खुद के ही फोन पे करवा सकते हो। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है तो आप किसी भी गर्ल्स का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, कोई भी आप नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेहा नाम डाल दिया। अब उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल के लिए बैक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है शेड्यूल
शेड्यूल कॉल, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको शेड्यूल करना है कि कब कॉल आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 सेकंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना, तो मैं 10 सेकंड कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 सेकंड करने के बाद अब पूरी तरह से अब सेव हो चुका है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेव किया हमने, 10 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल भी आना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने बॉस नाम से ही सेव किया था और नंबर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे कॉल भी रिसीव हो जाएगा। जैसे मैं कॉल को रिसीव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल भी रिसीव हो चुका है, सेकंड भी चालू हो चुका है, कॉल भी चल रहा है। तो कोई भी देख के क्या बोलेगा कि ये फेक कॉल है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये फेक कॉल है। यानी कि आप काफी अच्छा इंप्रेशन अपना जमा सकते हो अपने फ्रेंड लोग के साथ प्रैंक करके। तो काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, इसे प्रैंक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से हम कट करते हैं।